पानीपत को मानो ऐसा लग रहा है कि अब इस शहर को कोई नेता या अधिकारी नहीं चला रहा बल्कि ठेकेदार चला रहे हैं इनका जब मन में होता है ये तब शहर की कोई भी सड़क उखाड़ देते हैं इन ठेकेदारों के सामने तो किसी नेता और अधिकारी की भी नहीं चलती इनका शहर में इतना रोब है कि ये ना तो किसी नेता की सुनते हैं और ना ही किसी अधिकारी की अब इन ठेकेदारों ने शहर की वार्ड पांच की ऐसी सड़क उखाड़ दी है जो कई कॉलोनियों को एक साथ जोड़ती है भावना चौक से लेकर हरि सिंह चौक तक पिछले छह महीने से सड़क उखाड़ रखी है महीने पर महीने बीतते जा रही हैं लेकिन अभी तक सड़क नहीं बन पाई है हालात ऐसे हैं कि अगर कोई पैदल भी संभल करना चले तो उसे गंभीर चोटें आ सकती हैं कॉलोनी के लोग परेशान हैं और दुकानदार भी परेशान हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है ये जी चार वार्ड से और पाँच वार्ड का रास्ता लगता है इसमें ये भावना चौक से हरिशिंग चौक का रास्ता है ये सात आठ महीने से इसमें बार बार आठ दस बार ये खुदाई हो चुकी है इसमें यहाँ पर ना तो निकलने का रास्ता है ना जाने का रास्ता है रोज़ ट्रॉली और बड़े बड़े वाहन रोज़ फंसे रखते हैं इस रास्ते में रोज़ धूल दुकानदार सारे धूल खा रहे हैं किसी का एक रुपये का काम नहीं है सात महीने से सब खल्ली बैठे हैं दुकानदार और ना बिल्कुल भी कोई ध्यान दे रहा है प्रशासन शासन प्रशासन इस तरफ एम सी वगैरह सबसे मिल लिया जी कोई कुछ नहीं करता यूँ कहता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई एक काम है अपने आप होगा हमें कुछ नहीं पता इस काम का इससे तो दुकानदारी प्रभावित हो रही है दुकानदारी तो ये ऐसी और जी घर तक किराया देना पड़ रहा है जी सारे दुकान जो सबके दुकान ने किराए किया है यहाँ कोई कोई अपनी दुकान नहीं है सब अपने घर से किरा दे रहे हैं सात आठ महीने से और धूल इतने कह रहे हैं लोगों के किसी का टी वी होगी यहाँ और किसी का स्तम्मा हो गया बस दौड़ी दौड़े और कुछ नहीं है इस रोड पर देवी मंदिर रोड भावना चौक सारा रास्ता खराब है काफ़ी दिनों से जिससे सड़कें खराब हो चुकी हैं और आने जाने में परेशानी हो रही है सही तरह से काम नहीं हो पा रहा है आने जाने में बहुत परेशानी होगी हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ये कार्य हो पाए समस्या ये है भाई रोड बना नहीं रहे काम मंदा चल रहा है धीमी भाई हरि सिंह चौक पार हो गया होगा वहाँ तक तो रोड बना दो आधा दो बनाओ आधा फिर बन जा आधा फिर बना दो ये से समस्या आप लोगों भाई छे महीने हो गए पाँच छह महीने हो गए मिट्टिया खा रहे हैं मिट्टी खा रहे हैं भाई तो आप बीमार हो गए वगैरह कोई नहीं करते एमसी की तो एम सी की तो चलती नहीं नालिया भरी पड़ी है सड़कें तीन महीने हो गए खराब है आने जाने वाला पैदल नहीं निकल पा रहा इधर दुकानदारों का तो बुरा हाल है पल्ले से खा रहे हैं तीन महीने हो गए मैं अगर घोड़े गोडे पानी वा कोई पैदल ही नहीं निकलेगा कौन सी बच्चों के लिए थोड़ी बहुत रोटी लेके जा रहे हैं ना वो भी।, वो भी चली जाएगी हम तो मेयर साहब के पास तो जा जाके जा धक्के खा के चुप करके बैठे गए सुनाई क्या कहते आप चलो हम आ रहे हैं आते ही नहीं है सीवरेज डालने के नाम पर सड़क उखाड़ी गई कहा जाता है कि जल्द सड़क बन जाएगी लेकिन सड़क तो दूर नाले तक नहीं बन पाए हैं। घरों के बाहर नाले खोद दिए गए और उस पर स्लैब तक नहीं डाली गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालात आप खुद देख लीजिए पूरी कॉलोनी का क्या हाल है जगह जगह पत्थर है बारिश होती है तो घुटने तक पानी भर जाता है ये जो नाले बने हुए हैं ये पानी हमारे घरों का तो बाहर अंदर नालियाँ भरी पड़ी हैं नाली में पानी आ नहीं रहा वहीं की वहीं भरे मच्छर में बच्चे बीमार हो रहे हैं कुछ हो रहा है ये इनकी तो पानी की रास्ता तो निकले उसका जब नाली साफ़ करने आते हैं वो कूड़ा उठा जाते हैं निकाल जाते हैं पानी जा ही नहीं रहा ऐसे फिर एक जना जाएगा सारे सारे कभी तो सड़कों के लिए कहाँ तक जाए बार बार

कहीं भी से हो रहा है कोई समाधान नहीं है ना पानी का ना कुछ भी उधर देखो आप क्या हो देख घरों पानी जाने लग रहा है कुछ भी नहीं करता कोई भी वो कहते जी क्या करे टाइम लगेगा टाइम लगेगा टाइम लगेगा यही क्या कर अपने बार से टाल देते लोग स्कूल खुलने वाले हैं और अगर यही हालात रहे तो बच्चों को इसी रास्ते से या तो स्कूल जाना होगा या फिर छुट्टी कर घर पर ही रहना होगा कॉलोनी के लोगों ने तो खुद ही ये बात कह दी कि पार्षद की तो कोई सुनता ही नहीं हालांकि कई लोगों ने यह भी कहा कि पार्षद यहीं से गुजरता है लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही क्या सबसे पहले तो यह है कि ये विजयनगर है हरि सिंह चौक और मैन ये भावना चौक की तरफ जाता है ये रास्ता और ये कम से कम नहीं चार पाँच महीने से उखाड़ रखी है ये सड़क और कभी तो इसको कहते हैं कि हमने इसमें पार्टिंग का कनेक्शन देना है कभी कहते हैं सिवर का कनेक्शन देना है और अब ये देखिए आप कैमरा घुमा के देखिए एक बारी ये सारा नालों के लिए उखाड़ रखा है और इस बाबत हम कई बारी ही एम साहब अनिल बजाज साहब से भी मिलाए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी और देखिए आप आगे नाला सड़क टूटी पड़ी है मेरी गाड़ी है तीन चार बार तो उसके टायर फट चुके हैं हर तीसरे दिन मकैनिक के पास खड़ी होती है और काम धंधा बिल्कुल चौपट हो चुका है हमारी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस तरफ ध्यान दीजिए और ये सड़क बनवाइए और जल्दी से जल्दी बनवाइए आगे बारिशों का मौसम आ रहा है कई बार इसमें बच्चे गिर जाते हैं इससे पहले कि कोई बड़ी अनहोनी हो जाए रिक्वेस्ट है हमारी प्रशासन से प्रमोद विज से और अनिल बजाज जी से प्लीज़ इस सड़क को बनवा दीजिए कल से स्कूल शुरू हो रहे हैं नेताओं को नंबर बनाने से फुर्सत नहीं अधिकारियों को नेताओं की चमचागिरी से फुर्सत नहीं पार्षदों की कोई सुनता नहीं ठेकेदार मोज ले रहे हैं और जनता रो रही है और ये हालात सिर्फ इस वार्ड के नहीं बल्कि पूरे पानीपत शहर के हैं तो आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर को लेकर हमें ज़रूर लिखें साथ ही वीडियो को ज़रूर शेयर करें वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह